Every day we are struggling, we are fighting with our own weakness. हमारी खुद की कमजोरियों से हम रोज रूबरू होते हैं, लड़ते हैं. और इसलिए मार्शल आर्ट हमारे लिए जरूरी है. कितने लोग सोचते हैं मार्शल आर्ट पंच खेक मारना पीटना है? कितने लोग सोचते हैं? How many of you people think of the martial art is only fighting, to kill somebody, to hit somebody, to hurt somebody? Okay, some of you people. Aur kuch log haath khada nahi kar rahe. I just want to give you the message, the martial art is not a fighting. It's a way of life. It's a way of life. And hum sab log jee rahe hai na? हम सब लोग जी रहे हैं, इसका मतलब हम सब के लिए मार्शल आर्ट जरूरी है कि नहीं? ओके, हम जीतना चाहते हैं या हारना चाहते हैं? जीतना चाहते हैं. एक और क्वेश्चन, हम जीतना चाहते हैं, दिस इज ब्यूटीफुल, पर क्या हम दूसरे को हराना चाहते हैं? नहीं. हमें जीतना तो है लेकिन दूसरों को हराना नहीं है, क्योंकि दूसरों को हराने के बावजूद भी आप जीत नहीं सकते. इफ यू वॉन्ट्स टू विन द पीपल, इफ यू वॉन्ट्स टू विन, यू हैव टू लव पीपल. तुम्हें दोस्तों से प्यार करना पड़ेगा, दूसरों से प्यार करना पड़ेगा, दूसरों को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तब हम दूसरों को जीत सकते हैं. दूसरों को जीतने के लिए पंच मारने से या उसको नीचे गिरा देने से, नहीं तो उसकी हड्डी तोड़ देने से उसे जीता नहीं जा सकता, उसे हराया जा सकता है. हाँ, आप सोचते हो मैंने उसे हरा दिया, लेकिन वो जब तक नहीं हार मानता, आप उसे हरा नहीं सकते. फ्रेंड्स, आई एम राइट नाउ हियर, मैं आपको कोई डेमो करके, कोई ईंटे तोड़ के, कोई ऊंची किक करके आपका एंटरटेनमेंट करने नहीं आया हूं. अगर आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अब कुछ टेक्निक बताने वाले, अब कुछ करने वाले हैं, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. हां, वैसा अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत सारी मूवीज में आपको मिलेगा, इंटरनेट पे मिलेगा, हमारे दूसरे प्रोग्राम्स में मिलेगा, पर यहां पर हम कुछ खास बात करने के लिए आए हैं. और ये जगह बहुत खास हो जाती है जब शक्ति संगठन निर्णय लेता है कि उस जगह पर हम जाकर बात करेंगे जहां पे हमारी देश की, हमारे राजस्थान की एक लाडली को तड़पते हुए सांस छोड़नी पड़ी. इस दूध तलाई पर रेखा नाथ को तड़पना पड़ा, वो मारी गई. कितने लोग जानते हैं रेखा नाथ को, जिसका मर्डर यहां हुआ? लॉट ऑफ पीपल. मैं आपको बताना चाहता हूं, एक लड़की जो पूरी दुनिया के अंदर राजस्थान की आर्ट और कल्चर को रिप्रेजेंट करती थी, जिसको लोग प्यार करते थे, जिसको रिस्पेक्ट करते थे, वो लड़की हमारे बीच में, हमारी हेरिटेज जगह के पर मारी गई और हम सब देखते रहे. आपको लगता है कि अगर वो कराटे जानती तो बच जाती? हाँ, वो कराटे जानती तो बच जाती. पर उससे भी ज्यादा मैं कुछ और कहना चाहता हूं. मैं कहना चाहता हूं कि यदि उसका कोई अपना होता, उसको अपना समझने वाला उसके आसपास होता, तो वो जरूर बचती थी. आप में से कौन ऐसा है जिसके सामने उसकी बहन के ऊपर कोई हथियार लेके हार करने जाता है और वो चुपचाप खड़ा रह सकता है? एनी ऑफ यू जो कराटे नहीं जानता है, जो लड़ना भी नहीं जानता, उसकी बहन के ऊपर कोई आक्रमण करे, बर्दाश्त करेगा? मुझे आवाज चाहिए, नहीं करेगा. सिर्फ वो क्यों मारी गई? क्योंकि उसे अपना समझने वाला कोई नहीं था आसपास. फ्रेंड्स, हम तो ट्रेनिंग देते हैं, हमारे अपने सेंटर्स हैं, वी डू दैट. वहां पर हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वी चार्ज द फीस, वी डू दैट ऑल. पर जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत शेम फील हुई कि जो लोग हमारे पास आते हैं हम उन्हें सिखाते हैं, जो हमें फीस देते हैं हम उन्हें सिखाते हैं, पर आम पब्लिक, आम लोग, आम जनता, आम महिला,
जब सड़क पे जाती है उसे नहीं पता उसको क्या करना है, वो कैसे बच सकती है। और आज मैं यहां पर इसलिए हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं वो बात, वो दम, वो टेक्निक जो आप सीखना चाहते हैं आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। आप कहेंगे टेक्निक, यस मैं अभी आपको टेक्निक सिखाऊंगा। आप कहेंगे और क्या होना चाहिए, आई विल टॉक टू यू। आज अगर मैं अपने सेंटर पे किसी को सिखा रहा हूं लेकिन मेरी बहन अगर सड़क पर है उसकी सुरक्षा कौन करेगा? हमारी बहनें कहीं जा रही है पढ़ने के लिए जा रही है, कहीं घूमने के लिए जा रही है, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें, हमारी दोस्त हैं, हमारी प्रेमिका हैं, वो सड़क के ऊपर अगर सुरक्षित नहीं है शेमफुल। और हम सबके लिए, और इसके लिए किसी कराड़े की जरूरत नहीं है, अंदर से अपनेपन की जरूरत है, एक प्यार की जरूरत है, अपनी माता बहनों के लिए रेस्पेक्ट की जरूरत है। और इफ दैट रेस्पेक्ट वी डोंट हैव वी नेवर स्टेप फॉरवर्ड टू सेव एनीबॉडी। और ये सारा गुस्सा मेरा अपने आप के ऊपर है। और आपको भी अगर ऐसा फील होता है तो गुस्सा करिए अपने आप के ऊपर और कसम खाइए इसी वक्त कि मेरे सामने अगर कुछ गलत होता है, अगर किसी बहन बेटी की तरफ कोई फाफती कसी जाती है, अगर किसी पर कोई उंगली उठाई जाती है तो मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं कुछ कर सकता हूं या ना कर सकता हूं लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। क्या आप सोच सकते हैं? मैं कोई वादा नहीं लेता आपसे, अंदर सोचिए और उसको करके दिखाइए खुद को। और अगर आप सोचते हैं कि अगर किसी के पास हथियार है तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको अभी बताऊंगा क्या करेंगे अगर आप सीखना चाहते हैं। और अगर ना भी सीखे आपने तो मुझे बताओ कि एक तलवार लेके भी अगर तुम्हारे पिताजी की गर्दन काटने के लिए कोई दौड़ पड़े तो तुम पहले कराटे सीखने जाओगे या उसको पकड़ लोगे? क्या करेंगे? यस, वी हैव टू कीप अवर कॉन्फिडेंस, अपना हौसला। आप तैयार हैं? कितने लोग कुछ सीखना चाहते हैं आज इस वक्त? आगे आइए, आइए आगे। और कोई चिंता मत करिए कि टांगे खुलती है कि नहीं खुलती है, मैं कुछ कर सकता हूं कि नहीं। आगे आइए, आई विल शो यू द टेक्निक्स। और आप लोग प्रैक्टिस करिए, आप समझिए, बस यही बात। एक, दो, तीन, चार, पांच। और जो लोग आगे नहीं आ रहे हैं वो हाथ हिलाकर ताली बजा सकते हैं। That's very good. Beautiful.